मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पहली बार हुआ इन्वेस्टमेंट मीटिंग। जिले में 261 करोड़ का निवेश करेंगे लघु मध्यमी उद्यमी। देश के कई राज्यों के शामिल हुए उद्योग धरनाओं के रिप्रेजेंटेटिव। टेक्स्ट बुक का हुआ विमोचन। कई प्रोफेसर, प्रभारी मंत्री, उद्योग मंत्री भी वर्चुअल जुड़े। जिला प्रशासन द्वारा जिला महोत्सव पर पहली बार विप क्लब विंध्यनगर में इन्वेस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें कई लघु और मध्य उद्यमी भी आकर अपने उद्योग स्थापित कर सके, जिससे जिले के विकास में सिंगरौली को और विकास गति बढ़ सके। इन्वेस्टर मीटिंग का ओपनिंग विधायक सिंगरौली रामलल्लू वैस, विधायक देवसर सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह समेत एनसीएल एनटीपीसी कई राज्यों के प्रोफेसर, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। जो आज की जो इन्वेस्टर मीट है, इसके लिए काफी दिनों से जो प्लानिंग चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम सिंगरौली जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो वृहद स्तर के संयंत्र हमारे स्थापित हैं, और दूसरे सेगमेंट की अगर बात करें तो एमएसएमई में बहुत कम हमारी जो यूनिट्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है हमें उसको ब्रिज करना, जिससे कि जो यहाँ की जो लोकल यूथ है और जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर सब हैं, वो अपने एमएसएमई जो हमारे उद्योग होते हैं उनको स्थापित कर सकें, और उनके लिए जो मध्य प्रदेश में जो पॉलिसीज हैं, किस तरीके से फेवरेबल पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनके बारे में इसके माध्यम से जानकारी देना। और सिंगरौली में जो ऐसे एरियाज हैं जो यहाँ या तो एज ए रिसोर्स रॉ मटेरियल उनके लिए उपलब्ध है, या ऐसे जो हमारे बड़े उद्यम हैं उनमें वो प्रोडक्ट यूटिलाइज होते हैं, या उनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जो एज ए वेस्ट हैं और उनको हम एज ए इनपुट यूटिलाइज करते हुए हम अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सभी तरीके के जो ऐसे एरियाज हैं, जिन एरियाज को पोटेंशियल एरियाज हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए माना जा सकता है, उनके बारे में इस जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने अपनी जानकारी दी, किस तरीके के सेटअप हैं, जो किस तरीके के जो यहाँ वो इंडस्ट्री वो डेवलप हो सकती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, और जो यहाँ की जो हमारे जो विभिन्न औद्योगिक संस्थान हैं उनके जो प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए, उन्होंने पूरी तरीके से इस जो आयोजन है उसके बारे में जो एक उनका भी ये मत था कि इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, जिससे कि एरियाज के बारे में हमें पता चल सके, और उनके जो एरियाज पता चलेंगे तो उनमें जो एक संभावना है, संभावना को विकसित करने में अहम उनका योगदान है। ठीक।